हेलो वीवर्स, डेली टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एक मिनट में सिर दर्द का इलाज इन घरेलू उपायों से। फ्रेंड्स, असल में नर्व सिस्टम और गर्दन से जुड़ी हुई समस्या है। सुबह सुबह सिर दर्द के साथ उठना मतलब पूरा दिन बर्बाद हो जाना है। सिर दर्द एक बहुत ही सामान्य समस्या है, पर कई बार ये इतना तेज होता है कि बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, यूं तो बाजार में कई तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि सिर दर्द में राहत के लिए दी जाती हैं, लेकिन हर बार दवाई लेना ही सही नहीं है। शरीर में बहुत अधिक बाहरी लवण का जाना दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है। पर फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऐसे कई घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप अपना सिर दर्द छुट्टी में दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये उपाय इतने आसान हैं कि आप इन्हें अपने ऑफिस में काम करते करते भी आजमा सकते हैं। पर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अपने मस्तिष्क से हर बुरे विचार को निकाल दीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए। इन घरेलू उपायों की अच्छी बात ये है कि ये सभी पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं घरेलू उपचारों के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, पहला है एक्यूप्रेशर के द्वारा। फ्रेंड्स, सालों से लोग सिर दर्द में राहत के लिए एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते आ रहे हैं। सिर दर्द होने की स्थिति में आप अपनी दोनों हथेलियों को सामने ले आइए। इसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच की जगह पर हल्के हाथ से मसाज कीजिए। ये प्रक्रिया दोनों हाथों में 2 से 4 मिनट तक दोहराइए। ऐसा करने से आपको सिर दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा है पानी के द्वारा। फ्रेंड्स, कुछ देर पर पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा पीने से भी सिर दर्द में आराम मिलता है। एक बार आपका शरीर हाइड्रेटेड हो जाएगा तो सिर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। तीसरा है लौंग के द्वारा। फ्रेंड्स, तवे पर लौंग की कुछ कलियों को गर्म कर लीजिए। इन गर्म हो चुकी लौंग की कलियों को एक रुमाल में बांध लीजिए। आप कुछ देर पर इस पोटली को सूंघते रहिए। आप पाएंगे कि सिर का दर्द कम हो गया है। चौथा है तुलसी की पत्तियों द्वारा। फ्रेंड्स, आपने अक्सर लोगों को सिर दर्द होने पर चाय या फिर कॉफ़ी पीते देखा होगा। एक बार तुलसी की पत्तियों को पानी में पकाकर उसका सेवन कीजिए। ये किसी भी चाय और कॉफ़ी से कहीं अधिक कारगर और फायदेमंद है। पांचवा है सेब पर नमक डालकर खाने से सिर दर्द गायब हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर बहुत कोशिश के बाद भी आपको सिर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है तो आप एक सेब काट लीजिए और उस पर नमक डालकर खाइए। सिर दर्द में राहत पाने के लिए ये एक बहुत कारगर उपाय है। छठवां है काली मिर्च और पुदीने की चाय। फ्रेंड्स, सिर दर्द में काली मिर्च और पुदीने की चाय का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। आप चाहे तो ब्लैक टी में पुदीने की कुछ पत्तियां मिलाकर भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे एक मिनट में सिर दर्द का इलाज इन घरेलू उपायों से। आप इन उपायों का यूज करके अपने सर का दर्द एक मिनट में गायब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।